देश न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ दो फैक्ट्रियां थी। भारत आज हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल दूसरे देशों से उस समय मंगवाता था, लेकिन मैं ऐसे ही देश का पैसा बाहर जाते कैसे देख सकता था? आज भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली 200 फैक्ट्रियां हैं, 200। आज भारत हजारों करोड़ रुपए के मोबाइल देश में बनाता है, देश में बेचता है, इतना ही नहीं बाहर भी बेचता है। कांग्रेस सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस दूर की सोच ही नहीं सकती। इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के युवाओं को कांग्रेस से सावधान रहना है। साथियों, भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भारत में बनी चीजों पर गर्व नहीं किया। कांग्रेस कभी भी लोकल के लिए वोकल नहीं रही। गुना, यहां का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे इस धनिया की चर्चा यहीं आसपास से बाहर जाने नहीं दी। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ अपने बेटे बेटियों की भविष्य की ही चिंता होती है। अच्छा, मैं जरा आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ठीक से जवाब देंगे। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी
अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहने वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहने, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा मैं।